LPCT.com में आपका स्वागत है खास खबर के साथ। मैं हूं अजय तिवारी। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश चुनावों के लिए बने पैनल की, और अगर बुंदेलखंड की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने नए नामों पर ज्यादा जोखिम नहीं उठाया है और अधिकांश जगहों पर पुराने मंत्रियों या विधायकों का नाम पैनल में सिंगल रखा गया है। सबसे पहले जानते हैं कि सागर संभाग में किन लोगों का नाम भाजपा की पैनल में शामिल किया गया है। सागर जिला सागर संभाग, बीना से महेश राय, श्रीमती विनोद पंथी, खुरई से भूपेंद्र सिंह, सुर्खी से पारुल साहू, देवरी से भानु राणा और श्रीमती आरती राजा दुबे, रहली से गोपाल भार्गव, नरियावली से प्रदीप लारिया, सागर से शैलेंद्र जैन और मुकेश जैन, बंडा से हरवंश राठौर। टीकमगढ़ जिला सागर संभाग, टीकमगढ़ से अभय यादव, के श्रीवास्तव और राकेश गिरी, जतारा से हरिशंकर खटिक, पृथ्वीपुर से अनीता नायक, रोशनी यादव, निवाड़ी से अनिल जैन, खरगापुर से राहुल लोधी। छतरपुर जिला सागर संभाग, महाराजपुर से मानवेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह बुंदेला और अभिलाषा शिवहरे, चंदला से आरडी प्रजापति, राजनगर से विजय बहादुर सिंह बुंदेला, घासीराम पटेल, जितेंद्र बुंदेला, छतरपुर से अर्चना गुड्डू सिंह और ललिता यादव, बीजावर से पुष्पेंद्र पाठक, मलेहरा से ललिता यादव और रेखा यादव। दमोह जिला सागर संभाग, पथरिया से लखन पटेल, दमोह से जयंत मलैया, जबेरा से चंद्रभान लोधी, दशरथ लोधी, राघवेंद्र सिंह लोधी, हटा से उमा देवी खटिक और आलोक अहिरवार। पन्ना जिला सागर संभाग, पवई से ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, गुन्नौर से महेंद्र बागड़ी और राजेश वर्मा, पन्ना से सदानंद गौतम, जयप्रकाश और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। तो ये वो नाम जो सागर संभाग में भारतीय जनता पार्टी की पैनल में शामिल है। आगे हम जानेंगे और दूसरे संभागों में भाजपा के पैनल में किन लोगों का नाम शामिल किया गया है।